फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये बहुत डिलिशियस है और यूनिक भी है। आज की रेसिपी है मूली के पत्तों के पकौड़े। जी बिल्कुल, रेडिश लीव्स फ्रिटर्स। मूली के पत्तों के पकौड़े बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो हैं, बेसन लिया है 250 ग्राम्स यानी एक पाव, मूली के ताज़ा पत्ते लिए हैं और ये भी 250 ग्राम्स हैं एक पाव, इन्हें मैंने काट लिया है। अनियन ली है एक मीडियम साइज़ की और इसे भी मैंने काट लिया है, और ग्रीन चिलीज ली हैं मैंने 5 अदद और इन्हें भी मैंने काट लिया है। रेड चिली पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, साबुत सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून, और धनिया पाउडर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, पिंक सॉल्ट मैंने लिया है 3/4 टीस्पून यानी 1 टीस्पून से थोड़ा कम। तो पकौड़े बनाने के लिए हमें सबसे पहले बैटर रेडी करना है, और बैटर रेडी करने के लिए हम तमाम इंग्रेडिएंट्स बेसन में शामिल कर देंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके बैटर बना लेंगे। आप चाहें तो हाथ से बनाएं, चाहें तो आप चमचे का इस्तेमाल करें। रेडिश लीव्स फ्रिटर्स का बैटर बिल्कुल रेडी है, और अब हम कुकिंग ऑयल गरम कर लेंगे ताकि हम पकौड़े फ्राई कर लें। कुकिंग ऑयल मैंने कढ़ाई में गरम कर लिया है और अब मैं इसमें बैटर डालूंगी। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि मूली के पत्तों के पकौड़े जो मैं बना रही हूँ वो कितने क्रिस्पी बन रहे हैं और यमी भी लग रहे हैं। तो जैसे ये ब्राउन होंगे मैं इन्हें उतार लूँगी, और फिर थोड़ा सा बैटर और बचा है सेकेंड टर्न के भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये जो सब्जियों के पत्ते होते हैं या छिलके होते हैं, इनफैक्ट ये भी बहुत जायकेदार बनते हैं। मूली के पत्तों के मैंने फ्राइड रेसिपी जो है वो अपने चैनल पे पहले भी शेयर की है कि वो फ्राई होके कितने लजीज लगते हैं, और मसूर की दाल के साथ उनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। और लौकी के जो छिलके होते हैं वो भी बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत लजीज उनकी रेसिपी है, मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम लोग अक्सर ये करते हैं कि हम सब्जियाँ यूज़ करते हैं, मूली सैलेड में यूज़ करते हैं या मूली के पराठे बनाते हैं, तो हम पत्तों का इस्तेमाल नहीं करते, या फिर अगर हम लौकी जो हैं इस्तेमाल करते हैं तो लौकी को छील लेते हैं और उसके छिलके हम फेंक देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करें, और इन चीज़ों की अपनी बेनिफिट्स होते हैं, अपने फ़ायदे होते हैं, और बहुत मज़े के बहुत यमी पकौड़े बन रहे हैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, पकौड़ों की जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा यही क्यों होता है कि हम या तो अनियन के पकौड़े बना लेंगे, या हम पोटैटोस के बना लेंगे, या बहुत से बहुत हम पालक यानी स्पिनच के पकौड़े बना लेते हैं। और रमज़ान में हमें इतनी वैरायटी समझ में नहीं आती कि हम क्या पकौड़े बनाएं, कौन से डिफरेंट पकौड़े बनाएं ऐसे जो सबको बहुत पसंद आए। तो मैंने आपके साथ डिफरेंट रेसिपी शेयर की हैं पकौड़ों की भी। फूल गोभी के पकौड़ों की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, और मुझे उम्मीद है कि आपने ज़रूर देखी होगी। और इसी तरह से पकौड़ों की एक और रेसिपी बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही यमी है, और वो है बैगन के पकौड़े, और वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं अपने चैनल पे। आज मैं आपके साथ बना रही हूँ ये रेडिश लीव्स फ्रिटर्स। फ्रेंड्स, आपके साथ बातें करते करते पकौड़े भी रेडी हो गए हैं, क्रिस्पी क्रंची फ्रिटर्स, और मैं इन्हें उतार लेती हूँ ताकि जो बाकी बचा हुआ बैटर है उसके भी मैं पकौड़े बना लूँ। फर्स्ट टर्न के पकौड़े मैंने उतार लिए हैं, और सेकंड टर्न के पकौड़े बस अभी हो रहे हैं। फ्रेंड्स, ये है मेरी आज की रेसिपी मूली के पत्तों के पकौड़ों का फाइनल लुक। मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आज की रेसिपी भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे अपने घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करेंगे। आप इसे केचप के साथ सर्व करें, आप चाहें तो इसे पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें, या चाहें तो आप मेयोनीज के साथ सर्व करें। ये क्रिस्पी क्रंची फ्रिटर्स सभी को बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी इजी टू कुक लगी है, यमी लगी है, टेस्टी लगी है, डिलिशियस लगी है, स्क्रम्शियस लगी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ये वीडियो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ।
बेल आइकन पे ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर रेसिपी वक्त पर मिलती रहे। बहुत जल्द एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।